लालकुआ नगर पंचायत में सालों से तैयार पड़े भवन गरीबों में नहीं बच पाए हैं। कार्यदायी संस्था ने गरीबों के लिए आपको बता दें 100 कमरे बनाकर तैयार किए थे, लेकिन भवन गरीबों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो जर्जर नवनिर्मित भवन पड़े हुए हैं, गरीबों के साथ आपको बता दें एक अन्याय किया जा रहा है। 100 कमरे बनाकर तैयार किए गए, लेकिन अभी तक भवन गरीबों को नहीं मिल पाए। तो सालों बाद भी भवन खाली पड़े हुए हैं, गरीबों के साथ दस में पूर्व विधायक गोविंद सिंह बिष्ट के द्वारा एक योजना लाई गई थी जो कि गरीबों को आवास आवंटित करने थे, जिनको आशियाना मिलना था। लेकिन 2010 के बाद इसका कार्य भी शुरू किया गया और बनकर पूरी तरीके जो 100 कमरे हैं तैयार हो गए। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि दिखाएं वो 100 कमरे पूरी तरीके से जो बन के भी तैयार हो गए और कार्यदायी संस्था ने नगर पंचायत के सुपुर्द भी कर दिए। लेकिन अभी तक आज 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गरीबों को लेने वाला आशियाना अभी तक बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। किसी भी गरीब को एक भी आशियाना नहीं मिल पाया है। साथ ही बताना चाहेंगे इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा इस पर रोक भी लगा दी गई थी और रोक लगाने बाद इसमें कुछ शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया था, जबकि पूर्व में जो था पूरा निःशुल्क बटना था, लेकिन समय अनुसार नहीं बट पाया, जिसके बाद इस पर एक शुल्क निर्धारित कर दिया गया और उसके तहत इनको गरीबों को आशियाना मिलना था। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी गरीब को आवास आवंटित नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और नगर पंचायत कब इस आवासों को आवंटित करके गरीबों को इनके आशियाना दिलवा पाती है। मैं मुन्ना अंसारी, IND24। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष